हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर आपका कैसा रहने वाला है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, जो आप पेपर देख रहे हैं ये लास्ट ईयर का है, 2023 का बोर्ड का, और ऐसा ही आपका जो एग्ज़ाम 2024 में भी होने वाला है। तो पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, लास्ट ईयर की तरह ही है, लेकिन कुछ जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें आप पूरे इंडिया में अगर सीबीएसई से स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, एक तो ये पेपर है हमारे पास, और दूसरा जो प्री बोर्ड का पेपर है ये, तो आप जैसा कि जानते भी होंगे कि प्री बोर्ड का पेपर का जो पैटर्न है सेम बोर्ड का भी वही रहता है। तो लेकिन अगर हम बोर्ड का पेपर देखते हैं तो उससे एक अलग फीलिंग आती है और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो मैं आपको वही डिटेल में समझाने जा रहा हूँ कि आप कैसे करें कि आप इजिली एग्जाम में अच्छे नंबर भी लाएं और पास तो अच्छे से हो ही जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि पेपर का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग का ही होता है, और 10-15 पर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और 15 मिनट के लिए आप इस पेपर को पढ़ेंगे, जैसे 2024 में आपका आएगा। ये तो पुराने वाला पेपर है। ठीक है, देखो, फिर पहला जो क्वेश्चन है वो पैसेज का रहेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते कैसे, सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि एक ड्रॉबैक होता है। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि आप पहले ना ये जो इसकी क्वेश्चन है इनको पढ़ें। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब आप इसे पढ़ते हैं उसके बाद आप ये पैसेज पढ़ें। ठीक है, 15 मिनट जो आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं तो बस उसमें पहले चेक कर लें कि पूरा पेपर है, पेज नंबर सारे सही है, कोई पेपर का कोई चीज़ ख़राब तो नहीं, क्योंकि फिर बाद में उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर आप पैसेज ही करें, पहले मेरी बात माने तो। ठीक है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, और काफ़ी चीज़ आपकी ऐसी मिलेंगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो पैसेज आप कर लेंगे, अच्छे से करें। ठीक है, फिर आप क्योंकि पहले पढ़ने से फिर हमें आइडिया रहता है कि अरे ये चीज़ है, तो हम उस पर ना क्वेश्चन पेपर में उस पर हल्की सी लाइन कर देते हैं ताकि उसका आंसर ढूंढने में आसानी हो, और उसका मतलब अगर समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ, जिसको अच्छे से कि मतलब समझ में आ रहा था वो तो सीधा पढ़ कर सीधा आंसर कर देगा। ठीक है, लेकिन उनको भी एडवाइस करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर आप ये करें, ताकि ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्योंकि आपको पता लगता है कि किन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो देखो दो पैसेज आपकी रहने वाली हैं, एक तो ये डिस्क्राइब करेगी, डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी एक और जो पैसेज आती है वो आपकी एनालिटिकल आ सकती है, या किसी ग्राफ या किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको दे सकते हैं, आपको उसको समझकर फिर इसके आंसर देने हैं। तो इसमें भी आपको वही पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए, अब यहाँ पर तो केवल क्वेश्चन पेपर है ना, तो इसके आंसर की वीडियो मैंने बनाई होगी, मतलब जो सिर्फ आंसर की जो डीओ इश्यू करती है तो वो भी आप देख सकते हैं। आप जब लिखेंगे क्वेश्चन पेपर फिर आंसर की वो भी आपको मिलेगी। लेकिन इसमें मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ सुनो, ऐसी जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया ना, उन्होंने क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों इशू किया, आप उसे निकलवा लें नेट से। ठीक है, सीबीएसई की साइड से, और उसकी प्रैक्टिस करें और आपको अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये तो रही पैसेज की बात। ठीक है, पेपर का पैटर्न। अब उसके बाद जो सेक्शन बी है, आप ये देख सकते हैं, मैं इसको आराम से दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, अब देखो, अब जो आपकी राइटिंग स्किल है, ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है, मैंने इवनिंग वालों का लिया है, ऐसे ही मॉर्निंग का भी होता है। देखो सेम इस बार का भी वही पैटर्न है। ठीक है, ये देखो, थोड़ा सा पेशेंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको शॉर्टकट वाली इसमें बताऊंगा। देखो सेक्शन बी में वही है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल, पेपर का पैटर्न पिछले साल के सारे सेम है। ठीक है, अब देखो जो आप में यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि नोटिस आया और लास्ट ईयर भी नोटिस था। ठीक है, तो देखो ये नोटिस है, तो आपको ना नोटिस का पैटर्न अगर पता है तो आप इजीली जो है कर सकते हैं। देखिए, जैसे कुछ नोटिस होते हैं तो उनको आप इस पैटर्न से लिख सकते हैं। जैसे पहले आपने स्कूल का नेम लिखा, फिर नोटिस लिखा, फिर टाइटल का नेम लिखा जिसके ऊपर नोटिस है, फिर आपने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, यहां पर टॉपिक का नेम आ जाएगा, फिर फॉलोइंग डिटेल्स आर गिविन बिलो FOLLOWING,
DETAILS डिटेल्स आर गिवन बिलो। फिर आप यहाँ पर लिख दोगे प्लेस, वो कहाँ पर हो रहा है, टाइम, प्राइस या फेयर। देखो अगर मान लो लोकल टूर है तो वहाँ पर प्राइस तो होगा नहीं, तो वहाँ पर फेयर हम लिख देंगे किराया कितना है। चीफ गेस्ट तो हम जब हम लोकल टूर पर जा रहे तो चीफ गेस्ट लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो उसे छोड़ देंगे। प्लेस है अगर लोकल टूर है तो कहाँ कहाँ जा रहा है वो लिख देंगे, टाइम कितने बजे जा रहा है या कितने बजे तक ड्यूरेशन लिख देंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से कुछ थोड़ा चेंज कर देना है। फिर लिखा इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइन, जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना अपना नाम बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिस आप लिख सकते हैं अगर एग्जाम में अगर आए। जैसे अब ये हर किसी में नहीं हो सकता लेकिन ज़्यादातर हो जाता है, जैसे ये दो नोटिस है तो दोनों में से आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो पैटर्न है फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पर बोला गया है जो डिबेटिंग सोसाइटी है ना वो इंटर स्कूल में डिबेट करवा रही है, तो ये फिट हो जाएगा इसमें। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे डिबेट कंपटीशन, यहाँ पर डिबेट कंपटीशन आ जाएगा। प्लेस स्कूल हॉल लिख देंगे, टाइम 10 बजे लिख देंगे, 10 AM। प्राइस लिख देंगे फर्स्ट इतना, सेकंड इतना, थर्ड इतना। चीफ गेस्ट लिख देंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाले में ना साइबर क्राइम के रिलेटेड है, वहाँ पर जो है एक क्या काउंसलिंग वगैरह की जा रही है, तो यहाँ पर हो तो ये भी सकता है लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो है ये, इसमें थोड़ा हमें कुछ ऑनलाइन भी ऐड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आपको टॉपिक के पैटर्न पता लग जाएंगे तो आप आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर फिर फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो इनविटेशन है, जो कि लेटर की फॉर्म में है, तो आपके पास सपोर्ट मटेरियल होगा, उसमें पैटर्न लिखे हुए हैं। देखो दो प्रकार के हैं, एक तो है कि हम इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा है कि आप जो आपको इनवाइट किया गया ना आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या रिफ्यूज़ कर रहे हो। तो आप ये याद रखो कि एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ दोनों में से एक पक्का आने वाला है। अगर आप एक्सेप्ट या रिफ्यूज़ दोनों वाले पैटर्न याद कर लोगे ना तो अगर एग्जाम में कोई भी आ गया तो आप वो कर लोगे। बस आपको ढूंढना है कि इसमें से एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ वाला कोई है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, योर इनएबिलिटी टू अटेंड, आप ना जो है ना उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाओगे, तो आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, आपको इन्वाइट किया गया था आप मना कर रहे हो, तो ये रिफ्यूज वाला हो गया। देखो यहाँ पर कहीं भी नोट नहीं लिखा, तो आपको लाइन का मतलब इस समझ में आना चाहिए। अब लाइन का मतलब कैसे समझ में आएगा, अगर आपने 4-5 क्वेश्चन के साथ आंसर की प्रैक्टिस कर ली ना तो आप कर लोगे, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे सीखोगे। सपोर्टिंग मटेरियल में दे रखे हैं, क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर किया करो तभी सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। इस वाले में बोला कि आपको इन्वाइट करना है, ठीक है, किसको इन्वाइट करना है, अपने दोस्तों को, ठीक है, और रिलेटिव्स को, क्योंकि आपकी दादी का 80th बर्थडे है। तो इसे लेटर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले अपना एड्रेस फिर डेट लिखते हैं। मैं बता रहा हूँ सपोर्टिव मटेरियल में आपको उसे देखना, अगर आपके पास सपोर्टिव मटेरियल नहीं है तो आप सपोर्टिव मटेरियल ASC स्टार्टर लिखोगे तो वो वीडियो आ जाएगी कैसे डाउनलोड करना, ठीक है, नहीं तो आप DOE की साइट पर देख सकते हैं और स्कूल से भी आपको मिल गए होंगे। जो प्राइवेट स्कूल के हैं वो DOE की साइट से देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो देख लेना आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं मिलती तो आप कमेंट में लिखना, मैं वीडियो बना दूंगा एक दोबारा से और उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं ना तो पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट, फिर DL लिख के फिर स्टार्ट कर देते हैं। लेटर की फॉर्मेट की तरह होता है। तो अगर आप इतने सारे नहीं कर सकते तो एक एक्सेप्ट कि भाई मैं आपने मुझे मिस्टर और मिसेस ने मुझे बुलाया इस जगह तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मैं आऊँगा, इस तरीके से हो सकता है। या अगर आपके स्कूल वाले बुला रहे तो स्कूल वाले ने बुलाया तो मैं जो है रेडी हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ प्रपोजल को, मैं आऊँगा ज़रूर। तो इस तरीके से जो है एक, और आपको उसमें मेंशन किया होगा क्वेश्चन में जैसे लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा आपको। मैं अगर सपोर्टिव मटेरियल होता इस समय तो भी दिखा देता, ठीक है। तो एक आपको क्या करना है, नोटिस करना है, एक आपको क्या करना है, इनविटेशन का करना है, ठीक है। एक्सेप्ट और रिफ्यूज वाले दो कर लो, उनमें से पक्का आएगा ही आएगा। अगर आप इनवाइट वाला करना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा और कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्यूज वाला था, ऐसे एक्सेप्ट वाला भी कर लेना। अब उसके बाद फिर अगला जो है ना, फिर जॉब लेटर है और एडिटर को लेटर है। तो जॉब लेटर और एडिटर का लेटर, इसके भी पैटर्न है आपके स्कूल में, आपको करवाए होंगे, नहीं करवाए तो आप सपोर्टिव मटेरियल में देखना पैटर्न दिया हुआ है, नहीं तो मैं भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा
और ये लेटर वैसे अपने आप आना चाहिए, फिर भी मैंने एक पैटर्न की वीडियो बना रखी है, आप लिखोगे ना एडिटर लेटर ए एस सी स्टार्टर तो आपको ये एक पैटर्न की वीडियो मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए हमने सर्च किया ना तो ये आ गई, तो एडिटर का इसमें पैटर्न है मैंने अच्छे समझा रखा है, तो ये आपकी काफ़ी जो है हेल्प करेगी वीडियो, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, ये पूरा पैटर्न है इसमें। ठीक है, तो जब आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब जॉब लेटर एडिटर दोनों को आप अच्छे से कर लेना, दोनों ही कर लेना, क्योंकि कई बार एडिटर का लेटर ऐसा आ जाता है कि हम कर नहीं पाते, बाकी पैटर्न तो फॉलो हो जाता, कई बार नहीं भी हो पाता, क्योंकि ये कंप्लेंट के लिए और यहाँ पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इसलिए आप जॉब लेटर भी कर लेना, पैटर्न को रट लो। ठीक है, जॉब लेटर तो अच्छे से कर ही पाओगे। फिर देखो ये यहाँ पर रिपोर्ट है और यहाँ पर जो है आर्टिकल है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आर्टिकल के पैटर्न बना रखे हैं, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, जिनको बनाना आता है अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले नॉर्मली जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए, उसके बाद उसके बेनिफिट हार्म्स, फिर लास्ट में सजेशन, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी जो है, देखो आपकी स्टेंजा, आपको स्टेंजा में ना एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इसे कर पाएंगे। ये मैंने आंसर यहाँ पे किए हैं, आप इसे देख सकते, जैसे बोला कि कीट्स ने, जो जॉन्स कीट्स हैं इसके जो पोएट हैं, उन्होंने ब्यूटी को कैसे बताया, एटर्नल बताया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो काफ़ी टफ आती हैं पैसेज और स्टेंजा, तो आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा, और आप एक एक जो आपकी पोएम है ना स्टेंजा, उसके एक एक वर्ड मीनिंग को करो, उसका मीनिंग समझो क्या कह रहा है, क्योंकि आपको सिनोनिम्स भी उसके पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिनोनिम्स पूछ लेगा तो आप तभी कर पाओ। जैसे यहाँ पे जॉय फॉर एवर लिखा है, यहाँ पे इन्होंने एटर्नल लिख दिया, इस तरीके से। ठीक है, और थोड़ा सा उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिखा है विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस, तो ये कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है पीसफुल और शेडी प्लेस। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग जो निकलेगा वो हमें बताना पड़ेगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर बोल रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट, ये जो स्टेंजा है, ये जो स्टेंजा है, तो स्टेंजा में किसके बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ बता रहा है कि ब्यूटीफुल थिंग जो है उससे सॉल जो है वो अपलिफ्ट होती है, कि हमेशा चेंज होती रहती है ब्यूटी, तो यहाँ पर बोला है जो है देते रहते हैं हमेशा, ना कि चेंज होती रहती है, तो पहला वाला ठीक है, तो इसलिए वन ठीक है, सेकंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। फिर जैसे यहाँ पे लिखा है द थिंग दैट कोज अनहैप्पीनेस, मतलब इनमें से किससे अनहैप्पीनेस, मतलब दुख आता है, तो ये लिखा नोबल नेचर से, अगर लैक ऑफ नोबल नेचर, लैक ऑफ नोबल नेचर से नहीं, लैक ऑफ, अगर नोबल नेचर नहीं होगा तो उससे, और डल डे से, तो पहला और तीसरा। अब मैंने करे हुए तो इसलिए जल्दी बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ना पड़ता है पहला और तीसरा। ठीक है, और आपको ना सारे के सारे क्या करनी है, अलंकार पढ़ लेने हैं, मतलब पोएट्री डिवाइस। मैं ब्रीफली बता देता हूँ, एक होता है मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है, हम उस चीज़ को 100% मान लेते हैं, जैसे आप फ्लोरी बैंड, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक होता है एलिट्रेशन, तो ये पूछ रहा है कि इस स्टेंजा में कौन सा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब पहला अल्फाबेट सेम हो। ठीक है, जब पहला अक्षर सेम होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है ना, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल कौन होगा, आप लिख सकते हो डल डे, देखो डी डी, इस तरीके से। ऐसे इसमें ढूंढना है कि यहाँ पर कौन सा, जैसे वी ब्रीथिंग, तो डब्ल्यू डब्ल्यू आ गया। ठीक है, तो आपको पहला अल्फाबेट सेम होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं अल्ट्रेशन। तो आप कोई सा भी लिख सकते हो जो स्टेंजा में दे रखा है, ये वाला मत लिखना जो दे रखा है इसमें, ये लिखे। ठीक है, इस वाला, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू वाला। ठीक है, समझ आ रही है। और फिर ये इससे बोला है अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी मोरो वी आर, हर मॉर्निंग, देखो हर मॉर्निंग में अपने आप को क्या करते हैं, फिर से बांधते हैं, धरती से बांधते हैं, ताकि चलो जो हमारे साथ पुराना हुआ, बुरा हुआ, अब अगली इस उम्मीद से कि आगे हमारे साथ अच्छा होगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर देखो अगर आप ऊपर वाली स्टेंजा नहीं कर पाते तो आप नीचे वाली कर सकते हैं। ठीक है, बस शर्त यह है कि आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ना स्टेंजा को, फिर नहीं स्कोर कर पाएंगे। आपको एक ही लाइन को समझना है वो क्या कह रही है। आजकल यूट्यूब वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप उससे अच्छे से डीपली कर सकते हो, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अगर लास्ट टाइम पर पढ़ेंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। अभी से पढ़ो। ठीक है, फिर देखो बुक किया, अगर आपने लेसन पढ़े होंगे और अगर आप ये बता पा रहे हैं कि वो कौन से लेसन से है,
तो अच्छे से कर पाओगे। जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अब स्टेंजा आप बता सकते हैं कमेंट करके कि बताओ ये कौन सी जो है ना मतलब लिटरेचर या कौन सी बुक से या कौन से लेसन से दी गई है। टू मेक श्योर आई वॉक ओवर द न्यू बॉय एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट। तो आप देखेंगे जब इसे पढ़ेंगे ग्रैंड सेंट्रल रोड भी आ रहा है तो आप समझ जाएंगे थर्ड लेवल से, तो आप आराम से इसमें बता पाएंगे। जैसे इसने बोला है कि कौन से न्यूज़पेपर की बात हुई, द वर्ल्ड, तो देखो ये लिखा भी था द वर्ल्ड, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना तो आप आराम से कर लेंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप समरी मत पढ़िए कहीं से भी, आप चैप्टर का एक पैराग्राफ और उसकी हिंदी, पहले हिंदी में पढ़ो फिर इंग्लिश में पढ़ना, जल्दी समझ में आएगा तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे डियर, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में अगर आप पैसेज वगैरह पढ़ लेते हैं, चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, तो आप आराम से स्कोर कर लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही अगली है, ठीक है। तो देखो दोनों में से आपको एक करनी होती है, ये आठवां क्वेश्चन है ना, वन लिखा है, तो आप ये वाली करो या ये करो, दोनों में से एक करनी है। अब जैसे दो आसान लग रहा हो, आप पूरे मतलब दोनों बुक में से ना एक ही चैप्टर छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में आएगा, कोशिश करो सारे पढ़ लो। अब जैसे ये अनटचेबिलिटी की बात की जा रही है, द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, याद है ना आपको, एक जितकला सा की कहानी है और एक बामा की कहानी है, तो ये बामा की कहानी है, ठीक है ना, थर्ड क्लास में थी वो। उसके बाद ये देखो बताइए कौन से में से, देखो नौवे में से भी आपको एक करनी है पैसेज, ठीक है। तो आप देखो पैसेज से कितना अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो आई समथिंग फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी, तो आपने पढ़ा होगा ना इसमें जो लो स्प्रिंग जिसमें मुकेश की कहानी है और एक साहिब आलम की कहानी है ना, तो वही है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर वाली करो नीचे वाली करो, अब ये बताओ कौन सी से है। ये देखो यहाँ पे लिखे जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन और इफ आई एवर कम इन टू द मनी आई शेल बाय बुटीक। तो जैसे ये जेंसी और सोफी के बारे में है, ठीक है, आपको पता भी होगा सोफी जो किस तरीके से कई प्रकार के सपने देखती रहती है, ठीक है, डे ड्रीम देखती रहती है, तो ये गोइंग प्लेसेस है ना उसमें से है, ठीक है। फिर देखो यह 10th नंबर पर ये कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो 12वें और 13वें नंबर पे है ना, अभी सीधे सीधे क्वेश्चन हो सकता है ना पूछे। जैसे अभी प्री बोर्ड में आपने देखा होगा, प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन जैसे आए थे ना, ठीक है, ये पेपर आपने देखा होगा, नहीं तो ये मैंने वीडियो इसकी अपलोड की हुई है आंसर की के साथ, प्री बोर्ड के पेपर की, प्री बोर्ड एएससी स्टार्टर। जैसे अगर आपको वीडियो ढूंढते हो ना, चैनल का नाम लिख देगा। अब देखो अब ना जो पेपर में आएंगे ना ऐसे, अगर जैसे डायरी एंट्री के रूप में लिखो कि आप जैसे टॉम अपने घर पहुंच गया, तो आप टॉम हो, आप डायरी एंट्री में लिखो कि भाई किस तरीके से सदाओ ने आपकी हेल्प करी, क्या क्या हुआ, तो डायरी एंट्री के पैटर्न में आपको लिखनी पड़ेगी। अब जैसे डायरी एंट्री का पैटर्न है, तो आप जैसे मैंने डायरी एंट्री का पैटर्न बना रखा है, मैं आपको वो भी बताता हूँ दिखाता हूँ। देखो जब आप डायरी एंट्री एएससी स्टार्टर लिखोगे ना, तो एएससी स्टार्टर पूरा लिखना एएससी, ठीक है, तो ये आ जाएगी। ये देखो तो इसमें ना मैंने पैटर्न जो है लिख रखा है, और अगर ऊपर में नहीं आया तो नीचे में देख लेना, ये देखो टॉप सीक्रेट, ये देखो ये है। अगर डायरी एंट्री का पैटर्न आपको पता लग जाएगा ना, तो आप आराम से लिख पाओगे। जैसे पहले डेट लिखना है, फिर डे, फिर टाइम, फिर डियर डायरी। तो अगर आप खुश हो तो आप हैप्पी लिख दोगे, अगर आप जैसे दुखी हो तो सैड लिख दोगे। थोड़ा सा मैंने पैटर्न यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा और अच्छे से इसे इस तरीके से, तो यहाँ बीच में लिखते रहो। जैसे आप जो जो आपने कहानी भी पढ़ा ना डॉक्टर सदाओ की वगैरह, या जो भी आपको याद है, तो उसके रिगार्डिंग लिख के फिर लास्ट में ऐसे आप क्लोजिंग कर देंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये डायरी एंट्री का मैंने पैटर्न आपको बता दिया। ऐसी स्पीच की फॉर्म में बोल देगा, रिपोर्ट की फॉर्म में बोल देगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं, सुनने मेरी बात, अब ना वो सीधे सीधे ऐसे पूछेगा मुश्किल है, तो मैंने आपको आइडिया देना था इसलिए वीडियो मैंने प्रोवाइड करी है, ठीक है। कैसी लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो और सब्जेक्ट की अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा और सब्जेक्ट की भी ले आऊँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योर साइड स्टूडेंट्स।